प्राप्य भारतीय बाजार में अपने छोटी फैमिली के लिए 2 से 3 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में कोई रेंटो लुक वाली कार को मार्केट में तलाश रहे हैं तो मार्केट की सबसे सस्ती कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इस बार गर्मी के मौसम में अपने जबरदस्त गर्म कार के साथ भारत में एंट्री लेने को तैयार हो चुकी है। मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 हसलर का इंतजार काफी लंबे समय से मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर भारत की सड़कों पर किया जा रहा है। ये रेंटो लुक वाली कार भारतीय बाजार में पहले ही अपने लुक और डिजाइन के चलते काफी ज्यादा फेमस है और कार को कई मौकों पर भारतीय बाजार की सड़कों से लेकर हुए ऑटो एक्सपो में भी देखा जा चुका है और इस बार हसलर जैसी कार को भारतीय बाजार में इस गर्मी के मौसम में अब भारतीय लोगों के लिए लॉन्च भी किया जाना है। बता दें कि मार्केट में हसलर एक ऐसी कार है जिसको एक रेंटो लुक मार्केट के लिए दिया गया है। रेंटो लुक भारतीय बाजार में वैसे तो मिनी कूपर जैसी महंगी कारों में ही आपको देखने को मिलता था, मगर इस बार हसलर जैसी कार जिसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में होने वाली है, वही कार आपके रेंटो लुक वाली कार लेने का सपना कम दामों में एडवांस फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ पूरा करने भारत में अब लॉन्च होने वाली है। आइए फिर वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं कि मार्केट में आने वाली हसलर जैसी कार में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्केट में हसलर को भारतीय बाजार के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड और जापान जैसे मार्केट में पहले ही सुजुकी लॉन्च कर चुकी है। ग्लोबल सुजुकी ने अपने हसलर कार को पूरी तरीके से अंदाज और नए लुक के साथ कई देशों में भी लॉन्च किया है और अब इस बार भारत की बारी है, जब इस कार को कम बजट में मिडिल क्लास से लेकर मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए एक अलग ही डिजाइन और हसलर जैसी अंदाज वाली कार के साथ इस कार को मार्केट में उतारा जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आने वाली हसलर के सबसे पहले अगर लुक और डिजाइन की ही बात कर ली जाए जो कि आजकल मार्केट में सुर्खियां बटोर रही है, इस कार ने डिजाइन के मामले में तो भारत में कई कारों को अपने बजट से लेकर फीचर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हुए हसलर के लुक के और डिजाइन के मामले में इस कार को देखा जाए तो आप अपने वीडियो के अंदर आने वाली हसलर को पूरे नए अंदाज में देख पा रहे हैं। मेड इन इंडिया तैयार की गई हसलर अपने अंदाज में पूरी तरीके से रेंटो लुक में नजर आती है। हसलर को देखा जाए तो 4x2 का डिजाइन इस कार को भारतीय सड़कों के लिए दिया गया है, जिसमें भारतीय 5 लोग तो आसानी से बैठ के कार में सफर कर सकते हैं। हसलर जैसी कार को वाकई में ही पूरे तरीके से रेंटो लुक देने के लिए कार के फ्रंट लुक में गोल आकार के हेडलैम्प्स नहीं बल्कि प्रोजेक्टर लाइनअप का इस्तेमाल स्मार्ट शमाने के साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स के खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ कार में किया है, जिससे हसलर जैसा बेहतरीन मॉडल काफी ज्यादा देसी और क्लासिक भी नजर आता है। हसलर जैसी कार में सुजुकी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि इस कार में आपको न्यू रेटिनाइन अपडेट ग्रिल का इस्तेमाल क्रोम अंदाज के साथ मिल जाता है, जिससे कार खूबसूरत होने के साथ ही साथ सुजुकी के बड़े लोगों के साथ और भी अग्रेसिव नजर आती है। हसलर जैसी कार को युद्ध का ध्यान में रखते हुए भी एडवांस बनाया गया है, क्योंकि इस कार में एक स्पोर्टी लुक वाले बम्पर को भी जोड़ा गया है। आगे कार स्पोर्टी लुक वाले बम्पर पे नजर डाले तो जिससे हसलर ऊंचे के साथ ही साथ शानदार लुक और मस्कुलस हैवी डिजाइन के साथ नजर आती है, जिसमें आप सभी को सिल्वर लाइनअप क्रीज के साथ लगे इस कार में खूबसूरत 2 आकार के फॉग लैंप भी नजर आते हैं, जो कि कार के लुक को पूरी तरीके से एडवांस बना देते हैं। हसलर के साइड प्रोफाइल पे गौर किया जाए तो देख लीजिए भारतीय बाजार के तंग रास्ते और ऑफ रोडिंग के दीवानों का सपना पूरा करने ये कार अपने 17 इंच के बड़े टायर्स के साथ फेमस होने वाली है, क्योंकि कार में आपको अलॉय व्हील की सुविधा कंपनी फिटेड मारुति सुजुकी की तरफ से फ्री बिल्कुल इस कार में मिलने वाली है, जिसके चलते कार का ग्राउंड क्लीयरेंस काफी हद तक ऊंचा नजर आता है और ऑफ रोडिंग के दीवाने अब ऑल्टो क्या अब अपनी हसलर के साथ ही अपनी पहाड़ी और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र ऑफ रोडिंग पे कार चलाने का सपना अपनी इस हसलर कार के साथ ही पूरा कर सकते हैं। हसलर जैसी कार अपने रेंटो लुक के चलते जितने खूबसूरत और यूनिक भारत में कई कारों के मुकाबले नजर आने वाली है, उतना ही ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ भारतीय बाजार के आसमान छू रहे पेट्रोल के दामों को काबू में रखने के लिए इस कार में दमदार इंजन का भी इस्तेमाल कंपनी ने कर डाला है। तो आइए हसलर के फाइनली इंजन तथा पावर की बात कर ली जाए तो इस कार में आपको 2.0 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि भारतीय बाजार की सड़कों पर 140
इस PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 180 NM तक का ये कार टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन हसलर में आपको 5 स्पीड AMT और 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन भी मिलने वाले है। माइलेज की बात कर ली जाए तो भाइयों, आने वाली हसलर यानी मारुति सुजुकी की नई कार जो की परफॉर्मेंस से लेकर माइलेज और दमदार इंजन के साथ आपको 40 के आसपास माइलेज दे पाने में, वो भी प्रति लीटर में एक बाइक के बराबर क्षमता देने वाली है ना कमाल की बात। बता दें कि मार्केट में हसलर का प्रोडक्शन यही भारत से महाराष्ट्र के स्थित प्लेटफॉर्म पर होने वाला है और साथ ही साथ कार के सारे पार्ट्स को मार्केट में भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसके चलते ये कार दमदार परफॉर्मेंस और दमदार फीचर्स के साथ भी नजर आने वाली है। तो आप अपनी हसलर कार के डैशबोर्ड पे पहली बार नजर डाल पा रहे हैं कि कार का डैशबोर्ड पूरी तरीके से लेदर से अपडेट वुडन के लाइनअप के साथ दिखाई दे रहा है, जिसमें शानदार आपको मिनी कूपर जैसा इंटीरियर का फील इस कार में कम बजट में काफी प्रीमियम आपको बनाने वाला है। असल जैसी कार के दोनों साइड आपको नए डिजाइन के यूनिक ऑटोमेटिक एसी वेंट्स नजर आ जाते हैं, जो कि कार में स्मार्ट भी आपको और कम दामों में इस कार को भी स्मार्ट बनाने वाले है। आने वाली हसलर ने अपने ग्राहकों के लिए कोई कसर इस कार में नहीं छोड़ी है, क्योंकि इस कार में 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन तक जोड़ डाला है, जिसके चलते कई हद तक जानकारियां आप अपनी हसलर जैसी कार में साझा कर सकते हैं। आने वाली हसलर में सेंट्रल कंसोल की शान बढ़ाने वाला उन सभी छोटे और बड़े भाइयों के लिए 5 इंच के फुल साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल इस छोटी कार में कर डाला है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, UI कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस कमान जैसे शानदार फीचर्स आपको हसलर जैसी कार में अपना दीवाना बनाने वाले है। अब फाइनली इस कार के सेफ्टी और सिटिंग ऑप्शन की बात कर ली जाए तो आपकी कार में शानदार सिटिंग ऑप्शन इस बार आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आप चाहे लॉन्ग ड्राइव हो, पथरीले रास्ते हो या फिर आप ऑफ रोडिंग के दीवाने हो, इस कार में अपोल सीट्स का सेक्शन दे डाला है, जिसके चलते आप बैठे बैठाए एक ही बटन द्वारा एक्सेस अपनी कार के सीटों को कर सकते हैं और 14 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, 360 एंगल तक अपनी कारों को मोड़ सकते हैं। ना यूज होने पे हसलर जैसी कार की सीटों को बाहर भी निकाला जा सकता है। सेफ्टी फीचर्स पे भी जरा गौर कर लीजिए, कार में आपको 2 एयरबैग्स तो इस कम बजट में भी मिलने वाले हैं और साइड एयरबैग्स तक को शामिल इस कार में किया गया है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ये भी वाकई में ही इस कार में आपको काफी हद तक सुरक्षित रखने वाले हैं। फाइनली हसलर के अब लॉन्चिंग तथा कीमत की बात कर ली जाए तो इस कार को 3 विकल्प ऑप्शन में भारतीय ग्राहकों के लिए लॉन्च किया जाना है। कार का प्रोडक्शन भारत में ही होने वाला है। कार की स्टार्टिंग बेस वेरिएंट की कीमत 2.30 लाख रुपीज इसके चलते काफी कम होने वाली है। इस कार को बुक करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस बार हसलर के ऊपर कर दीजिएगा एक खूबसूरत सा अपना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे।